हुआ यह है कि 2 लाख रुपया लेके पापा हमारे शादी किए हैं। हमार ससुराल वाले से 2 लाख रुपया लेके हमार शादी किए हैं और बहुत ज़बरदस्ती शादी किए हैं। उसके बाद में यहाँ जब हम पहुँचन हुआ अपने ससुराल गए तो जब ससुराल पहुँचन तो लड़का कोनो लायक नहीं रहा, कहना विकलांग रहा, विकलांग के साथ साथ कोनो लायक नहीं रहा। उसके साथ बुढ़ऊ दुखे दूसरे दिन बुढ़ऊ गलत काम पर यहाँ अगुवाई गए, गलत काम किन चाहते रहे और कमरम हमारे हिल गए, पल्ला बंद के यहाँ सोत रहे कमरम हिल गए तो वह गलत काम किन चाहते रहे। फिर जब हम बतावे लागे एक साथे शादी भाई बतावे लागे तो वो कहें 2 लाख रुपये से तू का हम खरीदे हैं जौन चाह तौन हम करें। बुढ़ो वो ससुर हमारे कहें कहें जौन चाह तौन करें। जब बता हुआ से फिर बताएं बहुत ऊब हैं बतावे लागे तो कहें जो हमारे पापा तू का 2 लाख रुपया दे के खरीदे हैं जौन चाहिए तौन चाहिए। तो अभी अभी फिर आप कहाँ आई हो, क्या चाहती हो? हम आन हैं यहाँ एसपी ऑफिस। क्या चाहती हो आप? यही चाहते हैं कि हम वहाँ पे न जाएं। नहीं, और जिन लोगों ने खरीदा जिन लोगों ने बेचा खरीदारी की है जिन्होंने बेचा है उनके खिलाफ क्या चाहती हूँ? उनके खिलाफ हम यही चाहते हैं कि उनको कोनो वो दिन जाए, जेल जाए, फांसी हो, क्या हो, जेल जाए। बताया कि उसके पिता ने 2 लाख रुपये बेचा था। एक महिला का प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ है, उन्होंने अपने ससुरालीजनों पर तथा माता पिता पर कुछ आरोप लगाए हैं, जांच करके और नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सर, लड़की के किस तरह के आरोप हैं और उसने क्या आरोप लगाया है प्रार्थना पत्र में? क्या अपने ससुरालीजनों पर परेशान करने के आरोप लगाए हैं तथा अपने पीएल वालों पर आरोप लगाए हैं कि उसकी इच्छा के विरुद्ध शादी कर दी गई है। ऐसी बात समझ नहीं सर लड़की।